किस्सा कुर्सी का सीएम कौन। नमस्कार, मैं हूं आशीष सिन्हा, फैजाबाद के बीकापुर विधानसभा क्षेत्र से। उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों के साथ हमेशा ये दुविधा रही है कि कभी उनके इलाके में चीनी मिल नहीं रही है, अगर चीनी मिल है तो वो बंद है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। बीकापुर विधानसभा क्षेत्र में चीनी मिल है मसौदा में, लेकिन वो चीनी मिल जो है वो स्थानीय लोगों को प्रायोरिटी नहीं देती, यानी जो यहाँ के लोकल गन्ना किसान है उनको प्रायोरिटी नहीं देती। अगर उनसे गन्ना लेती भी है तो समय पे भुगतान नहीं करती है, इसके अलावा चालान नहीं दिया जाता। और सबसे अहम बात है कि जो मिल से निकलने वाला प्रदूषण है उससे 60 से ज्यादा जो लोग हैं, 60% ज्यादा जो लोग हैं वो दम्मा से पीड़ित है। हमारे साथ बीकापुर की जनता जुड़ी है, इसके अलावा सपा, बसपा, कांग्रेस और RLD के प्रतिनिधि भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मुन्ना सिंह चौहान है, ये पूर्व मंत्री भी रहे हैं और पिछली बार जो उपचुनाव हुआ था उसमें रनर अप रहे हैं, यानी कुछ ही अंतरों से मुन्ना सिंह चौहान चुनाव हार गए थे। मधु पाठक जी हैं कांग्रेस से, उनके बाद हैं सपा से कृष्ण कुमार पटेल जी और धर्मेंद्र प्रताप सिंह हैं BJP से। आनंद सेन यादव जो हैं वो SP से है और यहाँ के विधायक हैं। सर, मसौदा की जो चीनी मिल है उसमें एक सर्वे आया था, स्पिंग सिंह जो नोडल अधिकारी थे उन्होंने सर्वे किया था और 60% से जो ज्यादा जनसंख्या है यहाँ की वो दमा की पेशेंट है, क्या इसको लेकर कभी कोई मुद्दा उठाया गया? भारतीय जनता पार्टी ने समय समय पर इस मुद्दे को उठाया है और यहाँ की मिल, यहाँ के गन्ना किसानों का बराबर उत्पीड़न शोषण करती रही है। बाहर के किसानों को प्रायोरिटी दी जाती है, यहाँ के गन्ना किसानों का गन्ना या तो उनको पर्ची समय से नहीं मिलती है या उनका समय से भुगतान नहीं होता है। इस जो ये प्रदूषण की वो है समस्या, उसके लिए भी यहाँ के कार्यकर्ताओं ने कई बार इस समस्या को उठाया है, लेकिन चूंकि प्रदेश में काफ़ी समय से भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, इस नाते इस पर कोई समुचित कार्रवाई नहीं हो पाई। विकास कितना हुआ? विकास के नाम पर केवल लूट खसूट है, पूरे विधानसभा में गुंडा राज और भ्रष्टाचार का बोलबाला है, ये आप भी जानते होंगे। पूरे प्रदेश में केवल सपा के कार्यकर्ता और सपा के लोग कितना लूट खसोट कर सके। कृष्ण कुमार पटेल जी, धर्मेंद्र जी कह रहे हैं कि लूट खसोट हुई, विकास वगैरह कुछ नहीं हुआ। नहीं, इनको शायद जानकारी नहीं होगी, किसी क्षेत्र में एक ढमा नदी पे एक पुल का निर्माण हो रहा है जो बहुत बड़ा पुल है, जो उधर से गोंडा, बहराइच, बस्ती और गोरखपुर को जोड़ेगा, इधर से रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ इसको जोड़ने का काम करेगा और ये क्षेत्र विकसित होगा। यहाँ पे उसके नाते पुल बन जाने के नाते यहाँ पे जो है व्यवसाय भी बढ़ेगा, इस क्षेत्र को काफ़ी डेवलपमेंट मिलेगा। दूसरी बात, जो गन्ना किसानों के बारे में इन्होंने कहा, गन्ना किसानों के बारे में समाजवादी पार्टी पूरी तरह से अग्रसर होकर के काम कर रही है। जैसा सारे लोगों को जानकारी है कि केंद्र सरकार द्वारा तमाम तरह की बाहर से चीनी लाने के बाद मिले अपना घाटा दिखाने के बाद भी सरकार अपना पैसा दे दे करके किसानों का लगातार भुगतान कराने का काम कर रही है। ऐसे में ये कहा जाना कि नहीं चीनी मिले और समाजवादी पार्टी की सरकार गन्ना किसानों के प्रति, सर विकास के नाम पर केवल एक पुल बना है, कुछ नहीं हुआ? विकास के नाम पर इस क्षेत्र में पूरे सड़कों का जाल बिछ गया है। ये कब बिछा जाल सड़कों का? 380 किलोमीटर सड़कों की रिपेयरिंग हो चुकी है, 150 किलोमीटर सड़कों का प्रस्ताव हमारा जो है विचाराधीन है, जो स्वीकृत होने के कगार पर है, और नई सड़कें हमने कई बनाया है, लगभग 100 किलोमीटर की सड़कें हमने नई तैयार किया है। इस तरह से विकास के तमाम काम हुए हैं, हमने यहाँ पर जो है पावर के सब स्टेशन बनाए हैं, आश्रम पद्धति का विद्यालय बनाया है। विकास के नाम पर 150 सड़कों की आप बात कर रही है, 150 सड़कें कब बनाई गई, आप कब बनवाई आपने? 150 सड़कों की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि 380 सड़कें हमारी रिपेयर हुई जब से समाजवादी पार्टी की सरकार। इससे पहले भी यहाँ पे चार बार समाजवादी पार्टी के विधायक रहे हैं, जब सोहावर विधानसभा थी तब अवधेश प्रसाद जी यहाँ से समाजवादी पार्टी से चार बार जीते, तो क्या उन्होंने विकास नहीं किया था? नहीं, बहुत विकास किया था, किसी तरह की कोई कमी अवधेश प्रसाद जी ने नहीं छोड़ा था, सड़कों का जाल उन्होंने बिछा रखा था, लेकिन जो सड़कें टूट गई थी उनकी रिपेयर, वो जाल बिछाया था, बाकी रिपेयरिंग आपने करा दी। चूंकि पिछली बार सरकार दूसरे की थी, 5 सालों में उनको पर्याप्त धन नहीं मिला, इस कारण को दिक्कत आई। 5 साल पहले सरकार दूसरे की भी आपकी थी? नहीं, इसके पहले बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, उसमें उनको पर्याप्त धन नहीं मिला। सर, उसके पहले किसकी सरकार थी? 4 बार से विधायक थे। उसके पहले जब जब मेरी सरकारें थी, लगातार सड़कों का काम हुआ, लगातार विद्यालय का काम हुआ, लगातार विकास का काम हुआ है, किसी काम में कोई कमी हमारी सरकार ने नहीं छोड़ी। चलिए मधु जी, आप बताइए, कांग्रेस जनाधार तलाश कर रही है इस बार यूपी में, क्या लगता है EVM पे बटन दबाएंगे और क्या मुद्दे हैं जो नेताजी कह रहे हैं कि हमने तो सड़कों का जाल बिछा दिया? जनता बहुत समझदार हो गई है
और जाल बिछाने से दिखावा से काम नहीं होगा। और कांग्रेस की जब जब सरकार रही काम हुआ है, बहुत काम हुआ है, और अब की बार कांग्रेस की ही सरकार बनेगी बीकापुर में। यदि मैं बीकापुर से हमारी जनता हमारे भाई बहन मुझे चुने तो मैं बिल्कुल बीकापुर को सिंगापुर बना दूंगी। 5 साल सिंगापुर बना देंगी। मुन्ना सिंह जी, आप केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं और आप इस इलाके को बहुत अच्छी तरीके से जानते भी हैं। उन्होंने कहा, सपा का कहना है कि उन्होंने सड़कों का जाल बिछा दिया। आप जरा ये बताइए कि क्या जमीनी हकीकत में सड़कों में जाल बिछाई या केवल कागजों? तो मैं आपको गन्ना किसानों की समस्या बताऊंगा। आज के डेट में 5,200 करोड़ रुपया गन्ना किसानों का बाकी है, और फैजाबाद में भी चाहे वो मिझौड़ा चीनी मिल हो, चाहे वो मसौदा चीनी मिल हो, चाहे रौजा गांव चीनी मिल हो, रौजा गांव चीनी मिल पर हमारे राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष ने नोटिस दिया तो उन्होंने तो 25 फरवरी तक 22 रुपया दे दिया, लेकिन अभी 25 रुपया नहीं मिला। जहां तक आप मसौदा चीनी मिल की बात करते हैं और जो गन्ना किसानों की है, जब माननीय चौधरी अजीत सिंह उद्योग मंत्री थे तो उन्होंने रौजा गांव और मिझौड़ा चीनी मिल का लाइसेंस दिया और वो चीनी मिलों लगी। और मसौदा चीनी मिल पहले 22,000 क्विंटल प्रतिदिन पेरती थी। जब माननीय चौधरी अजीत सिंह खाद्य मंत्री हुए, लाला का बहुत दिनों से 10 साल से था, उन्होंने हमसे कहा, और आज वो 1,00,000 क्विंटल का उसकी क्षमता हुई, 80,000 पेर रही है, तो वो भी राष्ट्रीय लोकदल की देन है। और जो आपने प्रदूषण की बात किया, वहाँ चिमनी से जब धुआं उठता था तो लोगों के आँख में पड़ता था, आस पास लोगों का आँख में रोशनी चली जाती थी। हमने विधान परिषद में क्वेश्चन उठाया और जब तक लाला ने जब आप मिल चलती तो आप देखो सफेद धुआं होता, और जैसे धुआं काला होता तैसे मैं फिर लिखा पढ़ती करता हूं। और वहां जो पानी की समस्या है, जब मैं सिंचाई मंत्री 11 महीने थे, इतना बड़ा नाला खुदवा दिया कि सारा का सारा जो जलमग्न रहता था आज जाकर के उस इलाके में पीछे वहां धान गेहूं होने लगा। तो गन्ना किसानों की समस्या तो जितना राष्ट्रीय लोकदल उठाता है, हम समझते हैं अगर लोग चिंतित हो जाए तो गन्ना किसान मालामाल हो जाए, उसे कोई रोक नहीं सकता। और सड़कों के बारे में बता दीजिए। सड़कें तो हमारे अभी पटेल जी कह रहे थे, मैं ब्लॉक प्रमुख हुआ तो इनके गांव में सड़क पट्टी थी, उस पर कोई गांव में जाता था तो जूता चप्पल और साइकिल कांधे पर लेके जाना जाता था। ये हमारे मित्र थे, हमने पहली बार वहाँ ब्लॉक प्रमुखी से खड़ंजा लगाया तो लोग आसानी से जाना चुके। फिर जब प्रधानमंत्री सड़क योजना आई तो वो केवल इनके गांव तक थी, उसको मैंने लगा लगा करके उसको दोनों तरफ से जुड़वाया। तो जहां तक उत्तर फैजा सुहावल में विकास का सवाल है, वो हमारे सारे लोग जो साथी बैठे हैं कि विकास कैसे हुआ, ये जो आप ये देख रहे हो ये पावर हाउस था, जब ये पावर हाउस बिक गया, मैंने 2 बजट सत्र में इतना क्वेश्चन लगाया कि यहाँ जमीन है, और फिर हमारे अवस्थी जी पावर कॉर्पोरेशन के चेयरमैन बने, ये हम 440 का चाहते थे, बड़े मुश्किल से 220 का हुआ। और फिर जो चौधरी अजीत सिंह जब केंद्र में मंत्री हुए तो केंद्र से इसका लोन दिला करके 220 का बना है। तो हमारा तो इसी सुहावल ब्लॉक में बैठे हो, यहाँ एक अस्पताल चलता था छोटे से कमरे में, हमें मौका मिला, आप देखो सुहावल की बिल्डिंग बन गई। सुहावल में मोहम्मदपुर फरंगापुर अस्पताल स्वीकृत हुए और भाईपुर, और जहाँ तक स्वास्थ्य की सवाल है, ये मैं ब्लॉक प्रमुख हुआ तो हमारे चचा थे, जमीन दिए थे, कब्जा नहीं होता था, एडिशनल पीएससी बनना था, हमने डीएम के यहाँ धरना दे करके उसको कब्जा कराया और बिल्डिंग बन गई। जब हम क्वेश्चन लगाया तो उसमें जाकर के अस्पताल आया, मुबारकगंज की एडिशनल पीएससी हमारी है, मसौदा में आप चले जाओ, मऊ शिवाला रानी बाजार और भरत कुंड की पीएससी हमने मंजूर कराया। चलिए अब जनता के बीच में चलते हैं, बीकापुर की जनता हमारे साथ मौजूद है और उनसे जानते हैं कि नेताजी ने क्या वादे किए थे, कितने वादे पूरे किए और ऐसी क्या कमियां रह गई हैं उन वादों में। आप बोले क्या वादे किए थे चुनाव के दौरान आनंद सिंह यादव जी ने? यहाँ पे जो हमारे किस्म है पटेल जी जो है और मुन्ना सिंह चौहान जिस तरीके से विकास की बातें कर रहे हैं, हमारी पार्टी तो केवल राम राज में रामू पेर दे। सर पार्टी के हैसियत से मत बोलिए, जनता की हैसियत से आप मुद्दे बताइए बस, पार्टी के हैसियत से। पटेल जी जो बता रहे हैं कि विकास के नाम पे हमने बहुत, अगर उन्होंने विकास किया तो मुन्ना सिंह का विकास कहाँ गया, और मुन्ना जी ने जो विकास किया वो पटेल जी का विकास कहाँ गया। और दूसरी बात, मुन्ना सिंह ने जितना भी विकास किया है बता रहे हैं, एक दिन ऐसे थे कि प्रमुख जी जो है हमारे यहाँ पे जो है ठेकेदारी करते थे जो है, आज उनकी कंडीशन देखनी है, उनके पास जो है कितने स्कूल हो गए हैं, पेट्रोल टंकियां हो गई हैं। तो अगर इन्होंने विकास किया है तो इन्होंने विकास के नाम पर खूब लूट भी किया है। नहीं नहीं, ये बताइए समस्याएं क्या, सवाल किचन में खुलता था, समस्याएं क्या याद करो अपने कहा। समस्याएं ये है कि इन लोगों ने जब जब इनको चांस मिला है इन्होंने साथ में लूट भी खूब किया है और अपना पेट भरा है, जनता का कोई विकास नहीं किया है। और जनता के बीच में चलेंगे,
आप बोलिए। क्या वादे किए थे नेताजी ने, वादे पूरे हुए? जनता को आपको क्या उम्मीदें थी और आप क्या चाहते हैं कि 2017 का जब आप ईवीएम में बटन दबाए तो किन मुद्दों को ध्यान में रखकर दबाए? 2012 के चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में जो भी वादे किए थे उन वादों को, सभी वादों को पूरा किया है। अब अगर भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी के द्वारा किया गया विकास दिखाई नहीं पड़ता है तो विकास देखने के लिए क्षेत्र में जाना पड़ेगा। क्षेत्र में जाएंगे तभी इनको विकास दिखाई पड़ेगा। अभी इनके यहाँ टिकट की नूरा कुश्ती हो रही है, टिकट की दावेदारी हो रही है। जब ये क्षेत्र में जाएंगे तभी विकास दिखाई पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत दिनों से क्षेत्र में नहीं जा रहे। काम क्या हुआ है क्षेत्र में ये बताइए? काम क्या हुआ है ये? सबसे निवेदन, अपनी अपनी बात सब लोग रखेंगे, आप भी अपने स्तर से बात रखिएगा। काम सरकार के द्वारा जो योजनाएं थी जो पूरे प्रदेश में लागू हैं वो उत्तर प्रदेश में भी लागू हैं। चाहे समाजवादी एम्बुलेंस 108 हो, चाहे 102 एम्बुलेंस हो, जिस तरह की एम्बुलेंस अगर कोई पीड़ित होता है समाजवादी एम्बुलेंस प्रदेश सरकार अच्छे ढंग से चला रही है। और कोई भी व्यक्ति जब उसकी दुर्घटना होती है उसके रिश्तेदार उसके परिवार से पहले वो एम्बुलेंस वहाँ पहुँचती है और उसे उठा के अस्पताल पहुँचाती है। बहुत सी योजनाओं में केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के तालमेल से चलता है। पढ़े लिखे लोग शिक्षित सब जानते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने उस जिम्मेदारी को बहुत अच्छे ढंग से निभाया है। चलिए सर, आप बताइए क्या वादे किए थे नेताजी ने चुनाव के दौरान और कितने वादे किए? मैं समझता हूँ कि जो चुनावी वादे थे वो वादे ही रह गए, कोई काम नहीं हो रहा है। कि मोहम्मदपुर से हमारे रामनगर धौरारा को जाने वाली सड़क इतनी खराब हो चुकी है, इनके वादे कहाँ है? वो सड़क कहाँ दिखाई पड़ती है? इसमें नहीं कहीं पेरिस वेरिस में हम लोग रहते हैं, क्या व्यवस्था करेंगे हमारे लिए? क्या उम्मीदें हैं 2017 का जो ईवीएम का बटन दबाएंगे, किन मुद्दों को ध्यान में रखकर? हम विकास के मुद्दे पर और काम के मुद्दे पर मतदान करेंगे और देखेंगे कि हमारा क्षेत्र कैसे विकसित होगा, कौन सा प्रत्याशी क्या कर रहा है, ठीक है कि नहीं ठीक है। जितने लोग हैं रह चुके हैं इनको तो हम देख चुके हैं, अब हमको ये देखना है कि आने वाला भविष्य हमारा कैसा हो, कैसा प्रत्याशी हो जिससे हमारे क्षेत्र का विकास हो। और जो ये पुलिस वाली घूसखोरी है, अस्पताल में दवा के नाम पर की टिकिया नहीं मिलती है, लोग रो के लौट आते हैं, प्रसव होता है उनको महिलाओं को पैसा नहीं दिया जाता है, तमाम बार दरखास्त एम्बुलेंस आती ही नहीं मौके पर, वो फोन कर देते हैं कि हमारी गाड़ी खराब है। लॉ एंड ऑर्डर की समस्या यूपी में बहुत ज्यादा है, हर जगह सुनने में आती है कि जो कानून व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं धराशाही हो गई है। जो ये एम्बुलेंस है ये एनएचआरएम के पैसे से है और इसकी स्थिति ये है उत्तर प्रदेश में, चाहे पिछली सरकार रहे चाहे ये हो, अगर आप प्राइवेट एम्बुलेंस लेंगे तो आपको बहुत कम पैसे पर जो है वो आपको सेवा देगी। इसमें 100 किलोमीटर चलना जरूरी होता है, ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। अगर इसकी जांच हो सीबीआई तो ये पता लग जाएगा कि ये जो एम्बुलेंस है इसमें कितना घोटाला है। मधु पाठक जी, आप बताइएगा कानून व्यवस्था? कानून व्यवस्था बहुत खराब है बीकापुर में, विशेषतर इनायत नगर थाने की ये हाल है कि कोई महिला कोई गरीब आदमी जा ही नहीं सकता। वहाँ के इतने खराब यशो दरोगा, इतना कानून व्यवस्था खराब हो गई है। क्या करते हैं वो महिलाएं? वो किसी का काम ही नहीं करते, जिधर से पैसा पाते उधर ही काम करते हैं। आप मारे गए हैं, आप ही को पुलिस डांटेगी, जो पीटा है वो आराम से कुर्सी पर बैठेगा, जो बेचारा दुखी है वही मार खाएगा। ये कानून व्यवस्था की हाल है और हर जगह सबसे ज्यादा तो बीकापुर विधानसभा में महिलाएं बहुत दुखी हैं। और महिलाओं के लिए सबसे पहले तो दारू का ठेका बंद होना बहुत अनिवार्य है। हाँ, बिहार के तर्ज पर दारू का ठेका बंद हो और महिलाओं के लिए कुछ ऐसा उद्योग लगना चाहिए। चुनाव सभी लोग जीते, बहुत काम किए, आधी आबादी में महिला है आधे में पुरुष हैं, लेकिन महिलाओं का एक पैसे की कदर नहीं है। यदि मुझे मौका मिला तो महिलाओं के लिए फैक्ट्री में लगूंगा। लाइन ऑर्डर पूरी तरह से संतोषजनक है, अगर कहीं छिटपुट कोई घटना हो रही तो उसका वर्कआउट हो रहा है, समय से वर्कआउट हो रहा है। किसी मामले में ऐसा नहीं बताया जा सकता है कि कहीं अगर कोई घटना हो गई तो उसकी वर्कआउट में किसी तरह की देरी हो रही या कोई हिला हवाली हो रही। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि जब पिछले दिनों दिखाई पड़ता था पिछली गवर्नमेंटों में कि तहसील और थानों के इर्द गिर्द दलाल घूमते थे, कोई आदमी बता नहीं सकता समाजवादी पार्टी का एक भी कार्यकर्ता कहीं ऐसे काम में गलत काम में लिप्त हो और कहीं दिखाई पड़ता हो कि थाना और चौकी पर जाकर के ऐसा काम करता हो, कहीं ऐसा कोई मामला नहीं। ये कहना कि वो लोगों के राजनीतिक बात। धर्मेंद्र जी, इसी थाने में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अवैध असलहों के साथ गिरफ्तार किए गए, सारे समाचार पत्र उसको बता रहे हैं। और रह गई बात कानून व्यवस्था की, जब विशेष जाति और विशेष संप्रदाय के लोग ही मुख्य कुर्सियों पर विराजमान होंगे
तो कानून व्यवस्था का भगवान मालिक है, पूरी तरह चरमराई है, आम लोगों की कहीं सुनवाई नहीं है, केवल सत्ता पक्ष से जुड़े लोग या उनके द्वारा चिन्हित किए गए लोगों की ही बातें यहाँ के थाने और तहसील के लोग सुनते हैं। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम जनता के पास लौटेंगे और उनसे समझने की कोशिश करेंगे। दो अहम बातें निकल कर सामने आई हैं, पहले गन्ना किसानों की और दूसरा कानून व्यवस्था, इन दोनों मसलों को लेकर जनता क्या सोचती है। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। चलते हैं बीकापुर की जनता के पास और उनसे जानते हैं कि नेताजी ने क्या वादे किए थे और कौन से वादे पूरे हुए हैं। सर ये बताइएगा, क्या वादे किए थे चुनाव के दौरान? चुनाव के तो वादे इन्होंने बहुत अच्छे कर रखे थे, लेकिन कोई भी पूरा नहीं हुआ। इनके योजना विकास तो कर रहे हैं, लेकिन विकास के नाम पे ये सही से कोई प्लानिंग से काम नहीं कर रहे हैं। इनकी सड़कें आप देख लीजिए, दो साल पहले जो मंत्री ने सड़क बनाई है नहर पर, आज की क्या स्थिति है ये पूरे पब्लिक बता सकती है। ये 10 साल नहीं हुआ अभी, एक सड़क की बात करिए। अरे इनको बोले दीजिए, अभी बोलेंगे जो है आप विकास, आप जाइएगा नहर की पटरी देख लीजिएगा, हमें तो क्या पोषण है, जल भराव समस्या कहाँ कहाँ पर क्या क्या है, पूरे प्रदेश की बनरोज की है, जिससे फसल नष्ट हो रही है, एक्सीडेंट हो रहे हैं। इनकी भारतीय जनता पार्टी की मेनका गांधी जी हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। यहाँ विकास कुछ नहीं हुआ, जब भारतीय जनता पार्टी की 11 साल से कह रहे सरकार ही नहीं है यहाँ पे प्रदेश में, तो भारतीय जनता पार्टी ने क्या विकास किया? जब तुम्हारी सरकार आएगी देखा जाएगा। अगर नहर की पटरी 2005 में बनी, अब 10 साल चली, आज की सड़कें 1 साल 2 साल नहीं चलती, 10 साल नहर की पटरी चली और लोगों का आगमन ठेकेदारों का विकास बहुत अच्छी तरीके से हुआ है। आप मैं यहाँ केवल विकास और काम की बात करना चाहता हूँ। यहाँ की जनता का दुर्भाग्य है, विकास पुरुष मुन्ना सिंह चौहान जी ने जो यहाँ काम किया है, मैंने जब से होश संभाला, यहाँ बहुत लोग पार्टियों की सरकारें थी, कुछ नहीं, विकास ही आपके सामने है, देख लीजिए सोहल का इंटर कॉलेज है, बस यही मैं कहना चाहता हूँ आप। ठीक है, चलिए आप बताइए। ये हमारे भाई साहब अभी बता रहे थे कि जो नहर की पटरी बनी है 2 साल पहले, नहर की पटरी बने 10-12 साल हो गए, उसके बाद से जो नई नई सड़कें बनी, जो चौहान साहब ने नहर की पटरी बनवाई थी, उसका रिपेयरिंग करवाने वाला कोई नहीं हुआ। और दूसरा चीज, 12 साल हो गया। और दूसरी चीज, हम समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि से आप जाके पूछिएगा, समाजवादी पार्टी की सरकार हम लोगों ने सबसे पहले युवाओं ने चुना था अखिलेश यादव को, सबसे ज्यादा धोखा समाजवादी पार्टी की सरकार ने युवाओं का किया है। इनकी जितनी भी भर्तियां थी, कृषि विभाग की भर्ती देखिए, शिक्षा विभाग की भर्ती देखिए, पुलिस विभाग की भर्ती देखिए, सब इंस्पेक्टर की भर्ती देखिए, सारी भर्तियों के खिलाफ, ये समाजवादी पार्टी की सरकार पहली सरकार है जो युवाओं की भर्ती के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई है। इसका जवाब अखिलेश यादव को 2017 में देना होगा। बिल्कुल, जो भी विकास हुए 2005 मुन्ना सिंह चौहान द्वारा हुए और लगभग 10 साल हो रहे हैं, पद वही है, निधि वही है, लेकिन उसका मरम्मत कराने वाला कोई नहीं है। सिर्फ ये लोग यहाँ पे आके जनता को गुमराह कर रहे हैं। हमारे यहाँ बीजेपी के सांसद लल्लू सिंह जी हैं, वो उनको जो है सांसद जीते 2 साल हो गया, अभी तक उन्होंने हमारे क्षेत्र में क्या विकास करवाया? सिर्फ वादे किए हैं। सर बताइए सर, सपा सरकार 4 साल हो गया सर, एक बार छात्रवृत्ति नहीं मिली है। और जो कहते हैं भाई साहब कि हमारे माननीय भाजपा सांसद लल्लू सिंह ने, बताइए एलपीजी गैस और यहाँ तक हैंडपम्प, हमारे माननीय सांसद लल्लू सिंह बताइए 2 साल इतने मोदी जी हमारे काम किए, पूरा विश्व मोदी के सामने झुका हुआ है, हर जहाँ जाते हैं मोदी जी हमारे वहाँ आधार। और बताइए यही अगले हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह दे, जहाँ जाते थे वहाँ उनको कोई पूछता ही नहीं था। सबसे पहले मुन्ना सिंह जी के पास जाएंगे। सर 2017 में अगर कोई आरएलडी का बटन दबाएगा, आपको वोट करेगा, तो क्यों करेगा, किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव में उतरेंगे? देखिए, जहां तक बीकापुर विधानसभा की महान जनता है, उसने बहुत से लोग जो है एक तरफा हो गए अपनी अपनी पार्टियों छोड़ करके, लेकिन हमारी महान जनता ने 62,500 वोट दे करके साबित कर दिया कि इकट्ठा होने से अब मामला बनेगा नहीं, बेमानी किए, हौफा उड़ाए, तब ये हाल हुआ। मैं जहां तक हमारे एक मित्र कह रहे थे, मैं विधानसभा में बोल रहा था, मैंने अपने कार्यकाल की जो है चुनौती दिया, हमारे बहुत से लोग कह रहे थे मायावती और मुलायम सिंह ने हमारे सारे स्कूलों की जांच कराया, कुछ नहीं पाया। मैं तो आज जावे के साथ कह रहा हूँ, जो राजनीति में है, और जहां तक अयोध्या की बात है, 2 अरब का हमने अयोध्या में नई अयोध्या और फैजाबाद बनाने का बंधा बना दिया, 4 बांध का घाट का पैसा आया था, ये सरकारें चली गई, हम 2005 और 6 में दिए, आज तक नहीं बना। हमने चूंकि रुड़की चला गया, अब बाढ़ का उत्तर प्रदेश में कोई चीज नहीं है, हमने चौधरी चरण सिंह बाढ़ अनुसंधान फैजाबाद में बजट में बाकायदा प्रावधान कर दिया, वो भी पैसा काजनी कहां चला गए। हमने काशी में घाट बनवाया, हमने मथुरा में घाट बनवाया, और हमने पूरे प्रदेश में 5,000 किलोमीटर सड़कें बनवाया, केवल सहौल में ही नहीं, सहौल में तो 320 किलोमीटर बनी। पाठक जी, आप कांग्रेस से हैं, अगर आपको कोई कांग्रेस के लिए बटन दबाएगा ईवीएम का, तो क्यों?
इसलिए दबाएगा कि रात रात दिन में जब जब फोन आता है तब तब मैं सबके काम में लगी रहती हूँ, अस्पताल से लेके थाना चौकी तक। विधायक एमपी तो अभी तक बनी नहीं हूँ, जितनी औकात है उतना काम मैं सुबह से शाम तक किया करती हूँ और पूरे बीकापुर विधानसभा के लोग मुझे मानते हैं, प्यार करते हैं। मैं यहीं की रहने वाली हूँ, बीकापुर की लड़की हूँ। छोटा सा हमारा गांव वहीं बगल में परसौली है, मुन्ना भाई अच्छे से जानते हैं, मेरी जन्मभूमि है। मैं चाहती हूँ यहाँ से चुनाव लड़ूंगी तो अपने भाइयों को बहनों को ठीक ठाक रखूंगी, बहुत गरीबी है बीकापुर में। कृष्ण कुमार जी, इस बार फिर से सपा को चुनना हो बीकापुर की जनता को तो क्यों चुनेगी? बीकापुर की जनता समाजवादी पार्टी की सरकार द्वारा किए गए कार्य, स्थानीय विधायक द्वारा किए गए कार्यों के मुद्दे को लेकर के चुनाव लड़ेगी। जैसा भी आरएलडी के प्रत्याशी महोदय द्वारा ये कहा गया कि यहाँ की महान जनता, इन्होंने 62,000 वोट हमको दिया। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जनता ने अपने मन से वोट नहीं दिया, जनता को गुमराह करके वोट दिया गया। इनके द्वारा अपने पोस्टर में सरदार पटेल जी का फोटो लगाया गया, कभी सरदार पटेल की बात नहीं किए हैं। पोस्टर को नीले रंग का छपाया गया, बहुजन समाज पार्टी के लोगों को गुमराह किया गया और अपने नाम के आगे कामरेड लगा करके ये संदेश दिया गया कि हम मिसेन यादव के चहेते हैं, मिसेन यादव के चेले हैं। इस तरह से 62,000 वोट धोखा करके लिया गया। इस बार जमानत जब्त हो जाएगी वोट मिलने की बात हो। धर्मेंद्र प्रताप सिंह जी, बीजेपी को यहाँ की जनता क्यों चुनी? भारतीय जनता पार्टी सभी का समुचित विकास करने का प्रयास करती है। अभी यहाँ जो भी राष्ट्रीय लोकदल के नेता चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, अगले चुनाव में वो किस पार्टी में जाएंगे, चौराहे पर खड़े होकर के केवल ब्लैकमेलिंग करना उनकी और उनके नेता की राजनीति है। केवल चीखते हैं विकास के नाम पर। उन्होंने जब भी उनको मौका मिला है केवल लूट और घसोट किया है। भारतीय जनता पार्टी का ही हाथ पकड़ करके पहली बार विधान परिषद में पहुंचे और हमेशा केवल लूट घसोट की राजनीति करते हैं। बीकापुर विधानसभा क्षेत्र में सब अपने अपने दावे कर रहे हैं जीत के, लेकिन दो मुख्य मुद्दे हैं यहाँ पर। पहला गन्ना किसानों का और दूसरा सड़कों का। इन दोनों मुद्दों को आधार बताकर जनता 2017 में वोट करेगी। तय जनता को करना है कि वोट किसे करना है और नेता किसे चुनना है। कैमरामैन प्रकाश के साथ आशीष सिन्हा, इंडिया न्यूज बीकापुर।